वहीं अखिलेश के सीटों वाले ऑफर पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि केंद्रीय कमेटी अभी इस पर बात कर रही है, अब बातचीत हो जाएगी तभी कुछ कहा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है। 11 सीटों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय जी हैं। अब ये माना जाए कि ये फाइनल है सीटें? देखिए ऐसा है, अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, उस कमेटी से लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात चल रही है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बात चल रही है और बहुत जल्द निर्णय इस पर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जो है पहले से भी लगातार जो आकलन कर रही थी हर सीटों का ब्यौरा बनाए, तो उसके हिसाब से 2009 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 28 से 30 सीटों पर सीधे सीधे दावे कर रही थी, तो दावा अभी भी बरकरार है वो? निश्चित तौर से, मैंने बहुत बताया ना आपसे कि जो चीज़ें भी चल रही हैं वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं और उस पर पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बात कर रहा है। मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, हमारे प्रदेश से इंचार्ज अविनाश पांडे जी बात कर रहे हैं और बहुत जल्द उस पर निर्णय आपके सामने आ जाए। अच्छा, ये आखिरी सवाल, क्या ट्वीट करने से पहले कोई बातचीत हुई थी या केवल जो है ये स्वाभाविक ट्वीट कर दिया गया कि 11 सीटों, क्योंकि इससे पहले भी आरएलडी को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया 7 सीटों को लेकर? मेरी जानकारी में बात नहीं, अगर जो भी चीज़ें हुई होंगी तो वो कमेटी जो बनी है कमेटी से ही बातचीत हुई होगी। कह सकते हैं कि सीटों को लेकर लगातार जो है बातचीत की जा रही है और ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जो है कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर फिलहाल जो है समझौता करने की स्थिति में नहीं है और यही वजह है कि लगातार इन सीटों के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो लगातार इस पर मंथन कर रहा है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।